उत्तराखंड के बॉर्डर, देहात क्षेत्र व बैंकों के आसपास वाहनों व लोगों की गई चेकिंग, साथ ही मास्क भी किए गए वितरित। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम द्वारा अपराध पर रोक लगाने व कोविड-19 की रोकथाम हेतु शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का जनता द्वारा पालन किए जाने की स्थिति का जायजा लेने हेतु देहात क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण व चेकिंग की गई। रामपुर उत्तराखंड के बॉर्डर तथा थाना टांडा क्षेत्र में भ्रमण कर व्यस्त स्थानों व बैंकों के आसपास आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों एवं अवैध शस्त्रों की सघन चेकिंग की गई तथा लोगों को मास्क वितरित किए गए और लोगों को सामाजिक दूरी के प्रति जागरूक किया गया। बिना मास्क लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले व्यक्तियों तथा दो पहिया वाहन पर दो सवारी बैठाने वाले चालकों पर जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना टांडा माधो सिंह बिष्ट एवं अन्य भारी फोर्स मौजूद रहे। टांडा तहसील क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया है। किस तरीके के चेकिंग अभियान था और क्या क्या यहाँ कार्रवाई की गई? ये पूरे जनपद में चला जा रहा है चेकिंग अभियान। तो टांडा में आज फोकस था, मैं भी आया हूँ कि दो पहिया वाहन पे डबल सवारी, ट्रिपल सवारी या सस्पेक्टेड ऐसे लोग जो क्राइम कमिट कर सकते हैं, क्राइम के एंगल से चेकिंग करा रहे हैं। साथ में ये भी देखा जा रहा है, बाज़ार खुले हैं तो बाज़ारों में जो नियम शर्तें रखी गई हैं, जो सरकार ने बनाया है, गाइडलाइन बनाया, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तीसरा ये भी देखा जा रहा है कि जो भीड़ भाड़ निकल रही है, जैसे यहाँ पर बॉर्डर भी है, इंटरस्टेट बॉर्डर है, जो उत्तराखंड से बॉर्डर क्रॉस करके आ रही हैं गाड़ियाँ, वो गाइडलाइन फॉलो कर रहे नहीं कर रही, उनमें कौन लोग हैं, अपराधी तो नहीं है, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टोक टोक के उनकी पूछताछ की जा रही है। ओवरऑल पर्पज़ ये है क्योंकि सारे बिजनेस प्रतिष्ठान खुल गए हैं, सब लोग अब रोड पे आ गए हैं, लोग अपने काम धंधे पे जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से और ये जो कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क वगैरह पहनना है, इसके पर्पज़ से चेकिंग डबल पर्पज़ से चल रही है। मेन पॉइंट है स्थान बदल बदल के, टाइम बदल बदल के चेकिंग कराई जा रही है पूरे जनपद में, ताकि कोई भी अपराधी मूवमेंट हो हम उसको कंट्रोल कर सकें, साथ में जो भी कोरोना कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस है उनका पालन करा सकें।